जी मैं कोलम खुला इस दफा पायनियर ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूँ, वोट भी दे चुका हूँ, आजम भाई साहब को वोट दे चुका हूँ, ग्रुप को मैंने वोट दिया है। देखें ये एक दिन का फेस्टिवल है, फेस्टिवल ही रहना चाहिए। जी शेख साहब क्या कहेंगे आप? और कैफे को बेहतरीन की है, वरना माजी में अगर आप देखें तो कैफे में आपको खाना नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फेस्टिवल है उसमें डिवाइड करके देखें। क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले में? इस साल इलेक्शन की गहमा गहमी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस साल देखा जा रहा है कि वोटर का टर्न आउट भी बहुत ज्यादा है। ये एक होता है फेस्टिवल, फेस्टिवल में हमेशा हर आदमी अपना देखने आता है, रौनक देखने आता है कि यहाँ लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और उनकी फैमिली भी आती है। मैं ये समझता हूँ कि आज का इलेक्शन जो है अल्लाह ताला जिसको भी इज्जत दे, पर हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा फाइनल है पैनल है हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आजम चौधरी को कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वही जीतेंगे और मुझे पूरी अल्लाह ताला पे उम्मीद है कि यही लोग जीतेंगे। इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगी? माशाल्लाह बड़े सालों से यही हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट पार्टी की मेंबर भी रह चुकी है, एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुकी हैं आप, आज के इलेक्शन को किस नजर से देखती हैं आप? पहले आज का जो इलेक्शन है बहुत ही शानदार है, बहुत गहमा गहमी है और ये वैसे भी वन डे की फेस्टिविटी होती है जिसमें तमाम जर्नलिस्ट एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और सबको मिल बैठने का मौका मिलता है, क्योंकि रूटीन में तो हम सब लोग बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं और किसी से कोई इंकलाब नहीं होता, सब हमारे अपने लोग हैं, बस थोड़े से ग्रुप्स बन जाते हैं और अपने जो दोस्त हैं खास तौर पे जिन्होंने काम किया होता है और जो काम करना चाह रहे होते हैं, जिनका कोई मिशन होता है कि वो जर्नलिस्टों की फलाह के लिए कुछ करेंगे, बस उनको सपोर्ट करते हैं। और मेरी आज की सपोर्ट जो है वो पायनियर ग्रुप के साथ है, जिनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो उम्मीदवार हैं आजम चौधरी साहब हैं, बेस्ट विशेज उनके लिए। और सबसे बढ़कर ये कि खवातीन आ गई हैं तो उनके लिए वार्म वेलकम और वो ऐसे ही छा जाए और सारी सीट्स के ऊपर मुकाबला। इस बार देखने में छह खवातीन जो है बड़ी अच्छी सीट्स पे आई हैं, दो गवर्निंग एग्जेक्टिव उस पे सीटों पे हैं, बाकी जो है उस पे गवर्निंग बॉडी की है। कैसा लग रहा है खवातीन फील्ड में? जर्नलिस्टों में तो है लेकिन प्रेस क्लब की सीटों के लिए है वो इलेक्शन लड़ रही है। बस यही लग रहा है कि प्रेस क्लब की जो सियासत है उसमें भी खवातीन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्योंकि सिर्फ नाजुक के बगैर कोई भी शोभा कम्प्लीट नहीं होता, तो बड़ी अच्छी बात है, खवातीन को आगे आना चाहिए और वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट इट्स अ ग्रेट थिंग। थैंक यू। हसनैन औलख, सिटी 42 से ताल्लुक है मेरा और आज हम सपोर्ट कर रहे हैं जर्नलिस्ट को, जाहिद चौधरी साहब को और सादिया खान साहिबा को, और इंशाल्लाह हमारे जो कैंडिडेट हैं वो विन करेंगे और इलेक्शन के बाद जो आगे वाला टेन्योर है उसमें अपनी कारकर्दगी के साथ हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनको ये बावर करवाया जाएगा कि उनका जो इंतखाब था वो बिल्कुल सही इंतखाब था। जी जो मैं गवर्निंग बॉडी के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हूँ लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में, पायनियर पैनल्स की तरफ से हम लोग जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और आज बड़ी उम्मीद है कि पायनियर पैनल जो है वो पूरा केस स्वीप करेगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाहौर की कम्युनिटी जो सहाफत की कम्युनिटी है वहाँ पे आपको तब्दीली नजर आएगी। आज के इलेक्शन के हवाले से मेरा नाम इमरान है और अब तक मैं असाइनमेंट लीडर हूँ और मैं रूबा अरूज को सपोर्ट कर रही हूँ, पायनियर जीतेगा और रूबा ही जीतेगी इंशाल्लाह।